तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, बाहर का जो ऑफिशियल अपडेट है वो आ चुका है हमारे पास। यहाँ पर जो है, भारत ने अपने साइंटिफिक ऑफिसर की जो है पोस्ट निकाली है 2012 के लिए। ये जो पोस्ट होती है, ये क्या होती है, ए ग्रेड जो साइंटिस्ट होते हैं उनकी पोस्ट होती है। इनमें जो है काफ़ी अच्छी हमको पे स्केल देखने को मिलती है। इसके लिए कुछ जो इनके सामने से लेटेस्ट अपडेट आ रही है, जैसे कि 17 जनवरी 2022 को जो है इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है शुरू हुए थे, और वो अराउंड 17 मतलब कि ये 10 से 15 फरवरी के तक रह सकते हैं। अब ये जो बार का एग्ज़ाम होता है, ये होता किस लिए है, ये है हमारा बार साइंटिफिक ऑफिसर के लिए। जैसे हम इसमें दो तरीके से जा सकते हैं। पहला जो है, हम गेट के एडमिट कार्ड के द्वारा जा सकते हैं, मतलब गेट के जो रिजल्ट है उसके द्वारा जा सकते हैं। और दूसरा जो है, हम इसमें इसका एग्ज़ाम दे के भी हम इसमें एनरोल कर सकते हैं। ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो बार्क है वो क्या है, एक एटॉमिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि DAE के अंदर आता है, जो कि होती है एटॉमिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर आती है ये 5 ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके अंदर से एक बार्क है। तो बार्क बेसिकली जो है वो न्यूक्लियर फील्ड के लिए काम करता है, इसलिए भी बार्क जरूरी है। इसमें हम देख सकते हैं, हमको दो तरह की पोस्टें यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक होगी OCES और एक होगी DGFS। जो OCES होगी वो उसका मतलब होगा ओरिएंटेशन कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, और इसका मतलब होगा DAE ग्रेजुएट फेलोशिप। यानी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर आप किसी अच्छी IIT से गेट के स्कोर पे एमटेक कर रहे हो तो आपको वो एमटेक इनके द्वारा ऑफर की जाएगी, फिर जितना भी पे जो होगा वो बार्क पे करेगा। और दूसरा जो सेकेंड ऑप्शन है, उसमें ये हो जाएगा कि ये लोग आपको खुद एमटेक करवाएंगे, और वो एमटेक जो होगी वो बार्क के इंस्टीट्यूट से होगी। तो इसलिए यहाँ पर दो होती है। अब जो नोटिफिकेशन है उसमें हम देख सकते हैं कि दो जो हमने देखा था, फिर इसके हाइलाइट्स क्या क्या है। जैसे ये जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, इसके जो रिक्वायरमेंट है 2022, ऑर्गेनाइजेशन बॉडी जो है वो है हमारी BARC, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसका जो डेजिग्नेशन हम क्या क्या बन सकते हैं, एक तो जो है वो मेडिकल साइंटिफिक और टेक्निकल ऑफिसर पे निकली है। इस लेवल का एग्ज़ाम कैसा रहेगा, इसका एग्ज़ाम लेवल ऐसा रहेगा कि हमारे पास जो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, और ये जो है हर साल कंडक्ट कराया जाता है। जी हाँ, ये हर साल कंडक्ट कराया जाता है, और जो टेक्निकल फील्ड है उसके लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के एग्ज़ाम है ये, मतलब टॉप एग्ज़ाम्स के अंदर आता है। जॉब लोकेशन हमको इंडिया में कहीं भी दी जा सकती है। जो पे स्केल है वो काफ़ी अच्छी है, जो कि 67,700 से 56,100 तक है। यहाँ पर जो वैकेंसी है इस बार बहुत ही ह्यूज अमाउंट में आई है, जनरली इतनी ही आती है, लेकिन इस बार काफ़ी अच्छी है, 570। इसका जो एग्ज़ाम का होगा वो ऑनलाइन, यानी कि CBT बेस्ड टेस्ट होगा। इसके अंदर जो है जनरल की फीस हमें 500 देखने को मिलती है, SC ST फीमेल PhD की जो है वो हमें नहीं देखने को मिलती है। इसका जो मोड होगा वो ऑनलाइन होगा, जो कि हम बता चुके हैं CBT बेस्ड होगा, है ना। और इसके अंदर जो है वो इंटरव्यू कैसा होगा, स्क्रीनिंग टाइप इंटरव्यू होगा, मतलब कि एक पैनल पूरा बैठेगा और आपको बहुत ही अच्छा इसका इंटरव्यू होता है, जिसमें पैनल बैठता है आपसे जनरली सवाल पूछता है। और अच्छी बात यह है कि ये आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो। फिर आता है बार्क साइंटिफिक ऑफिसर। अब क्या क्या इसकी एग्जामिनेशन डेट है, क्या क्या मेन इसकी डेट है, तो सबसे पहले जो ये जो एडवर्टाइजमेंट आया, ये जो है जनवरी 18 को हमारे पास देखने को मिला, और जनवरी 17 को क्या हुआ इसका न्यूज़पेपर में ये 18 को आया, 17 से इसका ऑनलाइन प्रोसेस चालू हो गया, और फरवरी 11 तक, जैसे हमने बताया था फरवरी 11 तक क्या है, हम इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, और सबमिट करने की डेट फरवरी 12 तक है। अब ये जो एग्ज़ाम स्लॉट बुकिंग, ये एग्ज़ाम इसलिए अच्छा है क्योंकि अभी हम देख रहे हैं फिलहाल जो गेट का सीनेरियो है, अब उसमें लास्ट में क्या है, बच्चों के सेंटर्स काफ़ी दूर आए हैं तो वो उस पर जा नहीं पा रहे, तो ऐसी जो कंडीशन हमें देखने को नहीं मिलेगी। इसमें लास्ट में हम स्लॉट बुक करके अपने हिसाब से कहीं भी सेंटर बुक कर सकते हैं। वो एक लिस्ट दे देंगे कि इनमें से आप जो आपके पास हो वहाँ आप बुक कर सकते हैं। उसकी डेट मार्च 4, 2022 से मार्च 18, 2022 से। फिर ये जो एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, अप्रैल 7, 2022 और ये अप्रैल 13 के बीच में जिनके स्लॉट चलेंगे उनमें आप कोई भी बुक करा के आराम से एग्ज़ाम करवा सकते हो। तो लास्ट डेट है कैंडिडेट, फिर अगर जैसे गेट का स्कोर कब तक हम अपडेट कर सकते हैं, तो 13 अप्रैल हमारी लास्ट डेट है, तब तक हम गेट का स्कोर अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद में यदि फिर क्या होगा, 28 अप्रैल तक हमें डिस्प्ले हो जाएगा कौन कौन इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं। फिर उसके हिसाब से हमें एक पोर्टल में फिर वापस हमें अपना इंटरव्यू सिलेक्ट स्लॉट सिलेक्ट करने का डेट ये है कि हम कौन से स्लॉट में इंटरव्यू दे सकते हैं। और फिर जो है इंटरव्यू सेलेक्ट होंगे, मतलब कि ये इंटरव्यू जो सेलेक्ट होंगे वो इस डेट के बीच में होंगे। फिर फाइनली जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे OCES के लिए, उनका डेट है 18 तारीख को, उनका लिस्ट आ जाएगा। और फिर जो सिलेक्ट हुए हैं OCES और DGFS के लिए, उनका जो है वो 20 तारीख तक उनका नाम आ जाएगा। और फिर मतलब कि सेकेंड वीक ऑफ सितंबर तक ये पता लग जाएगा कि DGFS के लिए कौन कौन क्वालिफाइड है वो आ जाएगा। फिर
अब ये होता क्या है, तो ये एक जो बार्क जो होता है वो एक क्या है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है, मतलब बेसिकली ये न्यूक्लियर रिसर्च में अपना काम करते हैं, इसलिए जो है ये बार्क है। फिर हमने इसमें बताया दिया कि दो तरह की वैकेंसी है, OCS और DGFS। फिर इसके लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए अप्लाई करना काफ़ी ईजी है। हम जैसे ही बार्क की वेबसाइट पर जाएंगे या ऐसे लिखेंगे बार्क साइंटिफिक ऑफिसर रिक्वायरमेंट, तो उसके सामने हमारा एक जो है पोर्टल खुल जाएगा। जैसा मैं आपको करके भी बता सकता हूँ, जैसे कि ये मैं गया बार्क OCES रिक्वायरमेंट है ना, तो ये मैं इस पे गया, ये मैंने खोला, सॉरी 2022 मैं जैसे इस पे गया तो ये मेरे सामने खुल जाएगा बार्क OCES 2022। तो ये देखिए हमारे सामने ये ऐसे आ रहा है। अब तो हमें कैसे सर्च करना है, तो हमें जो है वो सर्च बहुत ही अच्छे तरीके से करना आना चाहिए। जैसे कि हम लोग कैसे सर्च करेंगे, हम करेंगे बार्क ऑफिशियल वेबसाइट। इससे क्या है, हम कहीं घूमने या फिरेंगे ना, वो डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही हम गए बार्क OCS की वेबसाइट पर, जी देखिए, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमें अप्लाई करना होगा बार्क OCS अप्लाई, याद रखिए जो रजिस्टर की जो वेबसाइट थी उस पर हम केवल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अगर हमें अप्लाई करना है तो हमें ये सर्च करना होगा बार्क OCS अप्लाई, थोड़ा मिस टाइप हो गया, लेकिन अगर आप ये सर्च करेंगे तो आपके पास जो पहला लिंक आएगा उस पर जब हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हमें अपना स्ट्रीम चूज़ करना है, और फिर ये देखिए यहाँ पर आ चुका है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर बार्क OCS। अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं तो ये पेज हमारे सामने खुल जाता है। इसमें जो है हमें मैक्सिमम लिमिट क्राइटेरिया, ये लिमिट क्या है, क्या फीस लगेगी, कितनी ऐसे है, तो ये सब हमें दे रखा है। जैसे ही हम इसमें चलते हैं तो इसमें पूरा सिलेक्शन प्रोसेस हमको दिखाया हुआ है, जो मैंने आपको बताया था। जैसे ही हम इसमें नीचे चलते हैं तो हमें यहाँ क्लिक करना होगा, उसके आगे अगर हम जाते हैं तो हमें ये प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन करते हैं, और फिर ये जो है इस पर क्लिक कर देते हैं, इसको नॉट नाउ कर देते हैं, फिर जो है ये प्रोसेस हमारे सामने खुल जाता है। इसके अंदर जो है हमको ये पूरी जो है डिटेल्स वगैरह पूरी भर देनी है अपनी अपनी भर देने के बाद पेमेंट कर देते हैं, और इसका जो है वो काफ़ी इजी प्रोसेस है, कोई इतना हार्ड नहीं है, तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।